और सुकमा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश सरकार में मंत्री कवासी लखमा पर देवी सवार हो गई और मेले में मंत्री कवासी लखमा खुद पर तड़ातड़ कोड़े बरसाने लगे। मंत्री ने गृह ग्राम नागारास में मेले का आयोजन, इस दौरान ये तस्वीरें सामने आई, 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया था। मेले में मंत्री कवासी लखमा ने खुद पर कोड़े बरसाए और यहाँ जो नागारास मेला है ये आस्था का मेला, ऐसे में इस दौरान वहां की जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं उनकी धुन पर कवासी लखमा झूमने लगे और हाथ में कूड़ा लेकर खुद पर बरसाने लगे। दरअसल मंत्री कवासी लखमा की ये तस्वीरें अक्सर अपने संस्कृति से जुड़ी और जो पारंपरिक मेले या नृत्य हैं, कभी आप उन्हें नाचता देखेंगे तो कभी मेले में वो पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर मगन होकर खुद पर कोड़े बरसाने लगते हैं। ये मंत्री कवासी लखमा का एक और रूप है। और तस्वीरों में जिन्हें आप देख रहे हैं ये कोई लोक नर्तक नहीं है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये राज्य सरकार में मंत्री हैं कवासी लखमा, जो कि अपनी संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं और अक्सर इस तरह के मेलों में वो दिखेंगे आपको। और यहाँ अपने गृह क्षेत्र में वो नागरास मेले में नाचते नजर आए और उन पर देवी सवार हो गई। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, ये जो मेला है क्या इसकी परंपरा है और इस दौरान मंत्री कवासी लखमा का एक अलग ही रूप देखने को मिला? हाँ जी, आपको बता दूं कि ये मेला जो है कवासी लखमा है जो छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री है और आबकारी मंत्री है, उनका गृह ग्राम नागारा से पर मेला का आयोजन किया जा रहा था और मेले में शामिल हुए थे और उस दौरान जो है वो खुद मेले में है, परंपरा और रीति रिवाजों का पालन करते हुए खुद को रोक नहीं पाए हैं, उन पर देवी सवार हुई, उसके बाद वो जो है खुद पर कोड़े भी बरसाए और काफी देर तक जो है वो जो है वादन के धुन पर जो है काफी देर तक थिरकते नजर आए। और ये पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी कई बार जो है कवासी लखमा इस तरह के मेले आयोजन में देवी सवार होती है और वो ऐसे कई आयोजनों में हमेशा से वो जो है नृत्य करते हैं और ये एक जो है अलग ही दृश्य जो है देखने को मिला। जी बिल्कुल, और काफी लोग वहां पर मौजूद हैं, अपने बीच मंत्री को वो देख रहे हैं और आसपास जो मौजूद लोग हैं वो भी काफ़ी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। इस मेले की क्या महत्वता है और ये देवी आने का क्या कारण रहता है, क्या इसके बारे में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, क्या बताते हैं? दरअसल जो है खास करके बस्तर और दक्षिण बस्तर इलाकों में मेले का प्रचलन है और हर साल जो है यहाँ पर अलग अलग गांव में अलग अलग मेले का आयोजन किया जाता है। ये नागरास के जो है जन्नी माता मंदिर है और वहाँ पर जो है गांव की ग्राम देवी है उसका मेले का आयोजन था और ये हर साल जो है इसी तरह मेले का आयोजन होता है। पिछले कई सालों से मेले का आयोजन चलता है और इन मेलों में जो है अक्सर जो है अलग अलग गाँव से देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। जिस तरीके से मेहमानों को हम आमंत्रण देते हैं उसी प्रकार देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। करीब 100 गांव के देवी देवता आते हैं, उस गांव में आते हैं और इस दौरान जो है अलग अलग जो है पुजारी होते हैं, पुजारियों पर जो है देवी सवार होती है। जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सत्यनारायण दिखा रहे हैं, दरअसल ये उस मेले की ही तस्वीरें हैं और एक एक किसी में आस्था के दौरान आप जब एक स्तर पर, जब इतने स्तर पर जाकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहां पर एक ऐसी मनोदशा होती है जिसे इस वक्त कवासी लखमा में देखा जा सकता है। आपको दिखाते हैं वो वीडियो पूरा वाद्य यंत्रों की उनके साथ।